अगले दिन मनोज लाइब्रेरी छोड़ने का अपना निर्णय सुनाने त्यागी जी के घर चला गया। उसने कुर्सी पर बैठते हुए सीधे अपनी बात कही, मैं अब लाइब्रेरी में काम नहीं कर सकता। जहां मेरी ईमानदारी की कदर ना हो वहां मैं काम नहीं करूंगा। त्यागी जी ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, चाय तो तुम पीते नहीं हो, लो गजक खाओ। इतना कहकर उन्होंने टेबल पर रखी गजक मनोज के सामने रख दी। त्यागी जी ने मनोज से आगे कहा, हुकुमचंद जी व्यवसायी आदमी है मनोज, जीवन भर उन्होंने 100-100 रुपए की साड़ियां बेचकर मुनाफा कमाया है। उन्हें साड़ियों की परख तो है पर आदमियों की परख नहीं है। तुम व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो, निश्चिंत होकर नौकरी करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। त्यागी जी के भरोसे से मनोज को बल मिला। इस बल ने उसका आत्मविश्वास और बढ़ा दिया। अपने इस बड़े आत्मविश्वास से प्रेरित होकर उसने कहा, हुकुमचंद जी का भरोसा मुझ पर नहीं रहा, मैं अब लाइब्रेरी में तो काम नहीं ही कर पाऊंगा। इतने में पांडे और त्यागी जी के स्कूल की पूर्व छात्रा अंशु गुर्जर आ गई। अंशु पीएससी की गंभीर स्टूडेंट थी और इस साल वह मुख्य परीक्षा दे रही थी। त्यागी जी ने मनोज की पूरी कहानी दोनों को कह सुनाई। पांडे कुछ बोलता उसके पहले अंशु ने कहा, मनोज तुम बताओ कि तुम महत्वाकांक्षी हो या नहीं। मनोज ने एकदम से कहा, मैं पीएससी में सेलेक्ट होना चाहता हूँ, मैं महत्वाकांक्षी हूँ। अंशु ने मनोज को व्यवहारिक सलाह दी, फिर तुम्हें लाइब्रेरी में ही रहना चाहिए, अभी तुम्हारी आर्थिक स्थिति तुम्हें कहीं दूसरी जगह रहने की इजाजत नहीं दे रही है। मनोज अंशु की बात सुनकर भी अपनी बात पर अड़ा रहा। दीदी मैं वहां काम नहीं कर सकता जहां मेरी ईमानदारी पर संदेह किया जा रहा है। फिर क्या करोगे, बिना नौकरी के पढ़ाई कैसे करोगे। कुछ दिनों के बाद ही एमपीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा होने वाली है, पांडे ने गजक खाते हुए मनोज की प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहा। पढ़ाई छोड़ दूंगा, सड़क पर रह लूंगा, पर अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करूंगा। मनोज ने बिना एक सेकंड गवाए तत्काल उत्तर दिया। उसकी इस जिद का किसी के पास कोई जवाब नहीं था, पर वहां बैठे सभी लोगों को उसकी बात एक नवयुवक का जोश और आदर्शवाद ही अधिक लग रही थी। पांडे को मनोज का यह संकल्प व्यवहारिकता से दूर लग रहा था। उसने मनोज के इस अति आदर्शवाद की व्याख्या की और त्यागी जी को देखते हुए बोला, मनोज जी अपने पिता से प्रभावित हैं, इनके पिता भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते, समझौता न करना इनकी पारिवारिक विशेषता है। मनोज को उम्मीद थी कि ईमानदारी पर उसके संकल्प को सुनकर शहर का यह बुद्धिजीवी समूह उससे प्रभावित होगा, पर पांडे की ऐसी ठंडी और व्यंगपूर्ण प्रतिक्रिया देखकर वह निराश हो गया। त्यागी जी ने पास ही रखी एक किताब उठाई और मनोज को दे दी। किताब के कवर पेज पर भगत सिंह का चित्र था। त्यागी जी ने मनोज से पूछा, अच्छा बताओ मनोज, तुम्हें भगत सिंह के इस चित्र में क्या विशेषता नजर आ रही है। मनोज कुछ देर तक भगत सिंह के चित्र को देखता रहा पर कुछ बोल नहीं पाया। मनोज मुझे भगत सिंह की आंखों में एक बेचैनी सी नजर आती है, उनके भीतर देश के लिए कुछ करने की तड़प दिख रही है। त्यागी जी ने मनोज से कहा। कुछ देर रुककर उन्होंने आगे कहा, मुझे तुम्हारी आंखों में भगत सिंह जैसी बेचैनी और देश के लिए कुछ करने की तड़प दिखाई देती है। मनोज उनकी बात सुनकर हतप्रभ रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी तुलना भगत सिंह से की जाएगी। अंशु ने मनोज की तारीफ करते हुए कहा, मनोज का व्यक्तित्व मुझे भी विलक्षण लग रहा है। कोई नवयुवक अपने सिद्धांतों के लिए इतना संकल्पवान हो सकता है, मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा है। मनोज की तारीफ सुनकर पांडे ने अंशु से कहा, दीदी कल त्यागी जी के स्कूल में 11वीं पढ़ने वाला एक लड़का अपनी कविता सुनाने यहाँ आया था, बेहद घटिया कविता थी। फिर पांडे ने त्यागी जी को संबोधित करते हुए कहा, क्या कविता थी, आपको तो याद होगी। हमसे तो बेहतर है वो घास चरने वाले, हमसे तो बेहतर है वो बोझा उठाने वाले। वहां उपस्थित
सभी लोगों को पांडे की यह अप्रासंगिक बात समझ नहीं आई। अंशु ने पांडे से ही पूछ लिया, तुम कहना क्या चाहते हो, स्पष्ट कहो। कल त्यागी जी को इस महान काव्य के रचयिता में जयशंकर प्रसाद के दर्शन हो रहे थे। मैं मनोज से यह कहना चाह रहा हूँ कि आम लोगों में महापुरुषों के दर्शन करना त्यागी जी की हॉबी है, इसे गंभीरता से ना लें और जीवन में व्यवहारिकता को अपनाएं। पांडे ने त्यागी जी द्वारा की गई मनोज की प्रशंसा को शून्य घोषित कर दिया। उसकी बात सुनकर त्यागी जी ठहाका मारकर हंस पड़े। मनोज समझ गया कि अभावों से दूर रहने वाला पांडे कभी उसे नहीं समझ सकता। मनोज बिना किसी निर्णय के वापस लाइब्रेरी चला गया। एक महीने बाद पांडे मनोज से मिलने लाइब्रेरी पहुंचा। मनोज लाइब्रेरी में नहीं था। लाइब्रेरी के व्यवस्थापक हुकुमचंद कुर्सी पर बैठे हुए कोई रजिस्टर देख रहे थे। पूछने पर हुकुमचंद ने बताया कि मनोज तो एक महीने पहले लाइब्रेरी का काम छोड़कर चला गया है। एक साल लाइब्रेरी में काम करने के बाद मनोज ने लाइब्रेरी छोड़ दी थी। कहाँ गया, पांडे ने आश्चर्य से पूछा। पांडे को उम्मीद नहीं थी कि मनोज लाइब्रेरी का काम छोड़कर जा सकता है। हुकुमचंद से और अधिक पूछने पर उन्होंने पांडे को एक पर्ची दे दी जिस पर मनोज का नया पता लिखा था, घनश्याम आटा चक्की, गणेश मंदिर, घोसीपुरा। पर्ची हाथ में लिए पांडे लाइब्रेरी के नीचे उतर आया। उसने अपनी साइकिल घोसीपुरा की ओर मोड़ दी। घोसीपुरा ग्वालियर की एक पिछड़ी और घनी बस्ती है, जहां जौरा सबलगढ़ जाने वाली नैरो गेज ट्रेन का स्टेशन भी है। ढूंढने पर पांडे को आसानी से गणेश मंदिर मिल गया। मंदिर के पास जगह जगह घूरे और गंदगी के ढेर लगे हुए थे। पास ही गंदे पानी की नाली बह रही थी। पांडे ने वहीं खड़े एक लड़के से घनश्याम आटा चक्की का पता पूछा और अगली गली में आटा चक्की के पास पहुंच गया। वह समझ गया था कि मनोज ने आटा चक्की वाले के यहाँ कमरा किराए से ले लिया है। आटा चक्की पर एक लड़का सफेद बनियान और लाल रंग का पैंट पहने गेहूं पीस रहा था और उड़ते हुए आटे के कारण सफेदी में लगभग नहा गया था। पांडे ने लड़के के नजदीक जाकर मनोज का पता पूछना चाहा। नजदीक जाकर पांडे ने देखा तो वह एकदम चौंक गया। आटा चक्की में काम करने वाला लड़का मनोज ही था। मनोज ने जब पांडे को दुकान के सामने खड़ा देखा तो मुस्कुरा दिया। उसने पांडे से कहा, थोड़ी देर में काम पूरा हो जाएगा, फिर कमरे पर चलेंगे। पांडे चक्की के भीतर खड़ा होकर मनोज को काम करते देख रहा था। आधा घंटा काम करने के बाद मनोज ने अपने शरीर और बालों से आटा साफ किया, पास ही खूंटी पर टंगी शर्ट पहनी, दुकान के बाहर आकर दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और पांडे के साथ चल पड़ा। पांडे बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी साइकिल हाथ में पकड़े चल रहा था। तंग गलियों से गुजरकर थोड़ी देर में मनोज एक मकान के सामने पहुंच गया। पांडे ने मकान की दीवार से अपनी साइकिल टिकाई। मकान की गैलरी और छोटे से आंगन से होकर मकान के सबसे पिछले हिस्से में पहुंचकर मनोज ने एक कमरे का दरवाजा खोला। दिन के उजाले में भी कमरे में अंधेरा था। मनोज ने लाइट जलाई। पीले रंग का धुंधला प्रकाश कमरे में फैल गया। जमीन पर गद्दा बिछा था, आले में किताबें रखी थी, कोने में एक स्टोव और कुछ बर्तन थे। एक लकड़ी का स्टूल भी पास में रखा था जिस पर पांडे बैठ गया। 200 रुपए किराया है कमरे का, वैसे तो 300 है, पर एक साहित्यकार हैं घनश्याम जी, उनका मकान है, लाइब्रेरी में आते थे, मुझे बहुत पसंद करते हैं। मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई तो उन्होंने सस्ते में यह कमरा दे दिया। बहुत भले व्यक्ति हैं, उन्होंने तो अपनी पूरी आटा चक्की की जिम्मेदारी ही मुझे सौंप दी। दिन में 4-5 घंटे गेहूं पीसने का काम है, 400 रुपये महीना मिलेंगे, बाकी पूरे दिन पढ़ाई करता रहता हूँ। आदमी यदि टाइम का सही मैनेजमेंट कर ले तो समय की कमी नहीं रहती। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा जरूर खोलता है। मनोज ने अपनी आंखें पांडे के चेहरे से दूर रखकर अपनी बात पूरी की।
पीली कोठी में कमरा लेकर पढ़ाई करने का ख्वाब देखने वाला मनोज अब अपने नए काम और कमरे की तारीफ कर रहा था। पांडे ने मनोज की बात ध्यान से सुनी, पर वह बोला कुछ नहीं। पीले रंग का बल्ब अचानक बंद हो गया, शायद लाइट चली गई थी। कमरे में अंधेरा हो गया। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी जिसे खोलकर मनोज प्रकाश की व्यवस्था कर सके। दरवाजा पहले से खुला था। मकान के इस हिस्से में सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं आ रही थी। मनोज ने पास रखी मोमबत्ती जला दी। मनोज अपनी बात पांडे से कह चुका था, अब वह पांडे से कुछ सुनने की उम्मीद में बैठा था। तुम माने नहीं मनोज, तुमने लाइब्रेरी ही छोड़ दी। कुछ देर पहले छाई चुप्पी को तोड़ते हुए पांडे ने मनोज से कहा, मुझे संतुष्टि है कि मैंने लाइब्रेरी छोड़ दी, पर अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा। ईमानदारी की रक्षा अभाव सहकर भी होनी चाहिए। पांडे ने मनोज की आवाज में भारीपन महसूस किया। उसने देखा कि मनोज एक टक जलती हुई मोमबत्ती को देख रहा है। पर अब तुम इस अंधेरे में पीएससी की तैयारी कैसे करोगे? पांडे ने अंधेरे सीलन भरे कमरे को देखते हुए कहा। बाहर का अंधकार समस्या नहीं है पांडे, समस्या तब होती है जब हमारा मन सुविधाओं के लालच में समझौते के अंधकार में डूब जाता है। मनोज जैसे किसी गहरे तल से बोल रहा था। बाहर गुजरने वाली नैरो गेज ट्रेन का शोर सुनाई दे रहा था। पांडे को प्यास लगाई थी। उसने पास रखे मटके में से एक गिलास पानी भरकर पिया और वापस स्टूल पर बैठ गया। कुछ देर स्टूल पर बैठे बैठे जब पांडे को बात करने के लिए कोई विषय नहीं सूझा तो उसने मनोज से कहा, मनोज अब मैं चलता हूँ। दोनों बाहर आ गए। पांडे ने मकान की दीवार से टिकी अपनी साइकिल उठाई और साइकिल पर बैठने से पहले कुछ देर रुककर मनोज को देखता रहा। मनोज ने अपने पिचके हुए गालों को छुपाने के लिए दाढ़ी बढ़ा ली थी। उसका गोरा रंग हल्का पीला हो गया था। उसकी आंखें अंदर धस गई थी। पांडे साइकिल पर न बैठकर पैदल ही उसके साथ साथ चलने लगा। गली का मोड़ आ गया। मनोज ने कहा, आते रहा करो पांडे, तुम्हारे आने से अच्छा लगता है। पांडे कुछ सोचता हुआ अपनी साइकिल पकड़े रहा। 5-6 सेकंड उसी चिंतन की अवस्था में रहने के बाद उसने कहा, मनोज एक बात कहूँ, मानोगे? मनोज समझ गया कि घोसीपुरा और उसके कमरे का माहौल देखकर पांडे उसे फिर से लाइब्रेरी में नौकरी करने के लिए कहेगा, इसलिए उसने कहा, मैं अब किसी भी कीमत पर लाइब्रेरी में नहीं जाऊंगा। पांडे ने उसकी बात को लगभग अनसुना करते हुए अपनी बात जारी रखी। मनोज, हरिशंकरपुरम के पास एक पीली कोठी है जिसमें पीएससी की तैयारी करने वाले लड़के किराए से रहते हैं। मेरा दोस्त गुप्ता भी वहां रहता है। अंशु दीदी भी पीली कोठी के ग्रुप से जुड़ी है। बहुत अच्छा माहौल है वहां का पढ़ाई का। मैं सोच रहा हूं एक कमरा किराए पर लेकर वहीं पीएससी की तैयारी करूं। तुम मेरे साथ पढ़ोगे तो मुझे लाभ होगा। क्या तुम मेरे साथ रहकर पढ़ाई करोगे? मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। पीएससी की तैयारी करने वालों की दुनिया बहुत छोटी निकली। जिस पीली कोठी में रहकर तैयारी करने के लिए मनोज तरस तरस कर रह गया था, वहीं रहने का प्रस्ताव पांडे ने मनोज को दिया था। मनोज को तो जैसे कोई सपना पूरा हो रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पांडे उसे इस तरह का कोई प्रस्ताव दे सकता है। इससे अच्छा प्रस्ताव इस समय उसके लिए कोई दूसरा हो ही नहीं सकता था। अचानक मनोज का ध्यान अपने आर्थिक हालात पर गया। उसने पांडे से कहा, पर मेरे पास पीली कोठी में रहने लायक पैसे तो नहीं है। पांडे ने साइकिल पर बैठते हुए कहा, एक आदमी के खर्च में दो लोग आसानी से रह सकते हैं। इतना कहकर वह बिना मनोज का जवाब सुने अपनी साइकिल पर बैठकर चला गया। वह झूमता हुआ साइकिल चला रहा था। मनोज तब तक पांडे को देखता रहा जब तक पांडे उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। पांडे ने पीली कोठी में कमरा ले लिया। मनोज घोसीपुरा से अपना सामान समेटकर पांडे के कमरे पर आ गया। पीएससी की तैयारी के लिए
जिस ग्रुप की तलाश मनोज को थी वह मिल गया था। पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा नजदीक आ गई थी। पिछली बार ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही दी गई पीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में वह सफल नहीं हुआ था। उसने तय किया कि वह इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उसने अपनी डायरी में लिखा, पढ़ाई के लिए यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। पीली कोठी में कई अच्छे प्रतियोगी तैयारी करते हैं जिनसे मुझे बहुत लाभ होता है, इसलिए अब मेहनत से पढ़ाई करना चाहिए। दीप सोनी ने मुख्य परीक्षा क्लियर करने के बाद इंटरव्यू दिया था। एक दिन दीप के पिताजी ने पीली कोठी आकर सूचना दी कि अभी अभी आए फाइनल रिजल्ट में दीप डीएसपी पद के लिए चयनित हो चुके हैं। दीप के पिताजी ने भावुक होकर कहा, हमें तो केवल 5,000 पेंशन मिलती है। लला ने जब पीएससी की तैयारी शुरू की थी तब सब कहते थे कि पीएससी में लाखों रुपए रिश्वत देनी पड़ती है, पर देखो एक रुपया नहीं लगा और हमारे लला डीएसपी बन गए। खुशी और संतुष्टि के कारण उनकी आंखें भीग गई थी। इतना कहकर दीप के पिताजी अपने किसी रिश्तेदार को यह खुशखबरी सुनाने चले गए। मनोज ने दीप से पूछा, भाई साहब आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? दीप ने मनोज से कहा, मैं बहुत खुश हूँ, पर एक बात जरूर कहूँगा, इस पीली कोठी में जितने लोग तैयारी कर रहे हैं गारंटी देता हूँ कि सभी लोग पीएससी में सिलेक्ट होंगे। पीली कोठी के सदस्य मनीष गुप्ता, मनोज और पांडे अपने भविष्य के सिलेक्शन की इतनी बड़ी गारंटी पर बहुत खुश हुए। मनोज समझ गया कि सफल लड़के भी उन्हीं के बीच से आते हैं। दीप के सिलेक्शन से पूरी पीली कोठी में जश्न का माहौल बन गया। देर रात तक सभी लड़के आनंद और आत्मविश्वास में डूबे भविष्य की सफलता पर चर्चा करते रहे। मनोज और पांडे ने इस बार पीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा गंभीरता से दी थी, पर 3 महीने बाद आए रिजल्ट में दोनों का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। अच्छी मेहनत के बाद भी मनोज असफल हो गया। मनोज को लगा जैसे वह बर्बाद हो गया, उसकी सारी मेहनत बेकार चली। वह गहरी निराशा से भर गया। 4-5 दिन उसे होश नहीं रहा। वह अपनी कमियां ढूंढता रहा। वह समझ गया कि पीएससी की राह उतनी आसान नहीं जितनी वह समझ रहा था। उसके पास अब पुरानी असफलता को भूलकर आगे की पढ़ाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मनोज के पिता को हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया। उसके पैसे की समस्या अब कम हो गई। हर साल नवंबर तक आने वाला पीएससी का विज्ञापन इस साल नवंबर खत्म होने तक नहीं आया। विज्ञापन न आने के कारण तैयारी करने वाले लड़कों की बेचैनी बढ़ने लगी। एक दिन अचानक अखबार में पढ़ने को मिला कि सरकारी खर्चे में कटौती करने के लिए इस साल मध्य प्रदेश में पीएससी की परीक्षा आयोजित नहीं होगी। पूरे प्रदेश में पीएससी की तैयारी करने वाले लड़के लड़कियों के लिए यह बुरी खबर थी। पीली कोठी में भी निराशा का वातावरण छा गया। मनोज के कमरे में बैठे लड़के आज की इस खबर से दुखी थे और भविष्य की प्लानिंग पर बात कर रहे थे। मनीष ने कहा, जब पीएससी की परीक्षा ही आयोजित नहीं होगी तो कितना भी पढ़ लो, उससे होगा क्या? मैंने तो तय कर लिया है, मैं अपने पिता का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस संभालूंगा। दतिया का गुप्ता दुखी स्वर में बोला, इस बार मेरी तैयारी ऐसी हो गई कि दीप भाई साहब जैसे डीएसपी की पोस्ट मिलने से कोई नहीं रोक पाता, पर जब परीक्षा ही नहीं होगी तो पोस्ट कहां से मिलेगी? बड़ बोले गुप्ता ने अपनी तैयारी को बढ़ा चढ़ाकर बताया। पांडे ने निराश माहौल में उम्मीद की राह दिखाई, जहां चाह वहां राह, हमें अब उत्तर प्रदेश और राजस्थान पीएससी की तैयारी करनी चाहिए। गुप्ता ने पांडे की बात काटते हुए कहा, तुम कुछ नहीं जानते पांडे, दूसरे स्टेट वालों का यूपी और राजस्थान में सिलेक्शन नहीं होता, इंटरव्यू में 200 में से 30 नंबर देकर भगा देते हैं। प्रतियोगी लड़कों को बहुत ढूंढने पर भी आगे की तैयारी की कोई निष्कंटक राह नहीं दिख रही थी। मनोज ने
निराश होकर कहा, हम लोग अब क्या करें समझ नहीं आ रहा। तभी पीली कोठी में अंशु गुर्जर आ गई। अंशु भी दीप के साथ डीएसपी बन गई थी। वह लड़कों को गाइडेंस देने पीली कोठी आ जाती थी। पीएससी परीक्षा आयोजित न होने की निराशा लड़कों के चेहरे पर देखकर अंशु ने कहा, राज्य लोक सेवा का अब कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, इसलिए तुम लोग संघ लोक सेवा की सिविल सर्विसेज पर फोकस करो। आईएएस, आईपीएस, इनकम टैक्स और दूसरी अखिल भारतीय एवं सेंट्रल सर्विसेज के लिए संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली परीक्षा आयोजित करता है। राष्ट्रीय स्तर की इस सिविल सर्विस की परीक्षा में सफल होना मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी करने वालों के लिए दिवा स्वप्न के समान ही था। सब जानते थे कि आईएएस या आईपीएस बनने का स्टैंडर्ड उन लोगों का नहीं है। अंशु का सुझाव वहां बैठे सब लड़कों को अपनी पढ़ाई के स्टैंडर्ड से बहुत आगे का लगा। सिविल सर्विस की परीक्षा पास करना गुप्ता की कल्पना से बाहर था। उसने अंशु से कहा, दीदी आईएएस आईपीएस बनना बहुत कठिन है, उसकी तो कभी प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगी। मेहनत करके पीएससी में तो कहीं लटक सकते थे, पर सिविल सर्विस में होना तो नामुमकिन है। कुछ देर पहले डीएसपी बनने का दावा करने वाला गुप्ता अब वापस पीएससी में लटकने की बात करने लगा। अंशु ने लड़कों को प्रेरित किया, मैं जानती हूँ कि यदि तुम लोग 2 साल दिल्ली में कोचिंग करोगे तो सिविल सर्विस कोई बहुत कठिन नहीं है, वहाँ कोई आसमान से लड़के नहीं आते। फिर अंशु ने निराश लड़कों को उत्साहित करने की कोशिश की, उड़ान हमेशा ऊंची भरना चाहिए, नहीं मिलेगी मंजिल तो कोई गम नहीं, पंख तो मजबूत होंगे। मनोज का खोया आत्मविश्वास अंशु की बातें सुनकर लौट आया। उसने अपने भीतर जोश को महसूस करते हुए कहा, दीदी यह सपना नौकरी पाने का सपना नहीं है, खुद को साबित करने का सपना है। रास्ता जो हमने चुना है उसी पर चलकर हमें स्वयं को साबित करना है, इसलिए अब पलायन नहीं कर सकते। या तो मर जाएंगे या जीत कर ही आएंगे, लेकिन युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर नहीं भाग सकते। मैं सिविल सर्विस प्रीलिम्स की परीक्षा देकर दिल्ली कोचिंग करने जरूर जाऊंगा। मनोज ने पता नहीं कहां से अपने भीतर ताकत भरी और उस ताकत के प्रभाव से एक जोशीला संकल्प सभी के सामने ले लिया। गुप्ता ने मनोज के जोश की हवा निकालते हुए कहा, एमपीपीएससी की प्रीलिम्स कभी क्लियर नहीं हुई, चले सिविल सर्विस की परीक्षा क्लियर करने। हाँ, बड़े आए युद्ध लड़ने वाले, दिन में सपने देखना छोड़ दो मनोज। आईएएस आईपीएस हम जैसे गांव के सरकारी हिंदी मीडियम के लड़कों के लिए नहीं है। एमएलबी कॉलेज से कितने बने हैं आज तक आईएएस आईपीएस? 0। आईआईटी दिल्ली, इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी जैसी जगह से निकलते हैं आईएएस आईपीएस। मनोज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जो भी हो पर हमें कोशिश जरूर करना चाहिए। अंशु भी अपनी बात पर टिकी रही, अब तक नहीं बने तो अब बनेंगे और आप लोग ही शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश पीएससी परीक्षा आयोजित ना होना अच्छा ही है, इस कारण तुम लोग पोखर से निकलकर समुद्र में तैरना सीखोगे। पर मनोज कैसे जाएंगे दिल्ली? ग्वालियर में पढ़ने के लिए ही पैसों की समस्या रहती है इन्हें। पांडे ने मनोज की आर्थिक स्थिति को सार्वजनिक किया। पांडे की बात सुनकर मनोज जैसे आसमान से जमीन पर आ गिरा, उसका चेहरा उतर गया। उसके पिता सस्पेंशन से बहाल तो हो गए थे, पर एक जगह टिके रहने की अपनी आदत के कारण वह अपने बदले हुए मुख्यालय डिंडोरी से झाबुआ नहीं गए थे, जिस कारण डिप्टी डायरेक्टर ने उनका सस्पेंशन का आधा वेतन भी रोक लिया था। अंशु ने जब मनोज को दुखी देखा तो उससे पूछा, क्या तुम सच में दिल्ली जाना चाहते हो? हाँ दीदी, मैं पूरी ताकत से मेहनत करना चाहता हूँ, मनोज ने कहा। मनोज, हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा, दिल्ली में कोचिंग के लिए मैं तुम्हें 10,000 रुपए देती हूँ, अंशु ने अचानक घोषणा की। वहां बैठे सभी लड़के अंशु की यह उदारता देखकर चौंक गए। अंशु का स्नेह देखकर मनोज का मन गीला हो गया। दीदी मैं कहीं और से व्यवस्था कर लूंगा,
पर आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अंशु ने मनोज को भावुक होते देखा तो कहा, मनोज बेकार की बातें मत करो, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम दिल्ली जरूर जाओगे। मनोज अब सिविल सर्विस की प्रीलिम्स की तैयारी करने लगा। 4 महीने उसने जमकर पढ़ाई की और मई में सिविल सर्विस प्रीलिम्स दे दी। प्रीलिम्स परीक्षा से मुख्य परीक्षा तक लगभग 5 महीने का वक्त मिलता है। यह 5 महीने प्रतियोगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। प्रीलिम्स के रिजल्ट के इंतजार में यह 2 महीने बर्बाद नहीं किए जा सकते। आदर्श तरीका यही है कि प्रीलिम्स परीक्षा के तुरंत बाद बिना उसके रिजल्ट का इंतजार किए मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाया जाए। अंशु ने यह कहकर मनोज को दिल्ली जाने के लिए 10,000 रुपये दे दिए। पांडे ने डर और कम तैयारी के कारण सिविल सर्विस प्रीलिम्स की परीक्षा नहीं दी थी, लेकिन भविष्य की तैयारी के लिए पांडे भी मनोज के साथ दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गया।